दूसरी बात जो मैंने देखी है, जैसा आपने कोरिलेशन या वॉलेटिलिटी की बात की, तो मैंने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर का कोरिलेशन है। जब भी इंटरनेशनल मार्केट्स खराब करते हैं, इक्विटी मार्केट्स जब खराब करते हैं, समझो डॉलर में डेप्रिसिएशन आता है, तब देखा गया है कि गोल्ड भी अच्छा करता है और साथ ही साथ सिल्वर भी अच्छा करता है। लेकिन सिल्वर की वॉलेटिलिटी जो मैंने देखी है वो गोल्ड से कहीं ज्यादा है। और दूसरी बात, सिल्वर की जो मार्केट है, इसके जो ड्राइवर्स हैं, किन किन चीजों की वजह से इसमें फ्लक्चुएशन आती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज है, फाइनेंशियल मार्केट की स्पेकुलेशन है, सेफ एसेट, मतलब गोल्ड की तरह इसको भी एक सेफ एसेट देखा जाता है। तो सिल्वर के जो ड्राइवर्स हैं वो थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80, 85, 90 हो जाएगी जब तक ये अभी का जो जनरेशन है, व्हेन दे बिकम ओल्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 हो जाएगी, राइट? तो सबको प्लानिंग तो लंबा करना है, तो टाइम होराइजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली पिच पे डटे रहना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी आपके सवाल को मैं अवॉइड नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 5 to 7 years का टाइम होराइजन होना चाहिए अगर वाकई में। देखिए, सब लोग आमतौर पे मिस्टर बफेट के एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि मिस्टर बफेट जो है, ही इज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर बिकॉज ही लिव्ड लॉन्ग एंड ही इन्वेस्टेड लॉन्ग। तो मंथली SIP आप करिए, कोई भी दिन पे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक एक चीज जरूर हम लोगों को इसमें सीखने को मिली है, जो मैंने पहले भी बताया कि बेस्ट परफॉर्मिंग कंपोनेंट ऑफ द मार्केट ये रहा है कि मिड कैप रहा है। तो मिड कैप फंड्स की जो SIPs हैं, इन्होंने मिड कैप फंड्स की जो SIPs हैं, उसने निफ्टी, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी 500, सबसे ज्यादा रिटर्न लंबे अरसे में निफ्टी मिड कैप 150 का जो सेगमेंट है उसने दिया है। तो SIP करिए, लंबे अरसे पे करिए, जब मन करे कोई भी दिन पे डेबिट करिए। आप ऐसे कॉइन टॉस करके डिसाइड कर लिए कौन से दिन पे करना है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिवली रिस्पॉन्स दूं, तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ NFOs फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव। देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब मार्केट में एंटर करती है तो उसको तो NFO से ही शुरुआत करनी है ना, और तो आप क्या करोगे। लेकिन इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं, तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ NFOs। देर आर ओनली टू थ्री थिंग्स विच आर फेवरेबल और विच वन शुड लुक एट। पहली बात यह है कि अगर कोई फंड मैनेजमेंट स्टाइल है, या कोई फिलोसॉफी है, या कोई प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है जो नया, उसका नया इजाद किया जा रहा है और जो पहले अवेलेबल नहीं थी, तब तो वो NFO से ही शुरुआत होगा, राइट? तो अगर कोई भी NFO लॉन्च करता है, तो क्या वो डिफरेंशिएटेड है, वो एग्जिस्टिंग जो अवेलेबल है उससे उसमें कुछ अलग है या नहीं है, कुछ आपको उसमें नया मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कई बार दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, कहीं पे भी हम लोग स्काई स्क्रेपर्स पे जाते हैं ना, काफी ऊंची इमारतें होती हैं, किसी का 30th फ्लोर पे, 40th फ्लोर पे घर है, ऑफिस है। तो जब आप एक लिफ्ट में जाते हो, लिफ्ट आपको 40th फ्लोर तक लेके जाती है, राइट? तो आपको ऐसा पूरा पूरा भरोसा है ना कि लिफ्ट ऊपर जाएगी और जब नीचे आएगी तो तमीज से आएगी, ऐसे गिरेगी नहीं नीचे। आपको भरोसा कैसे हुआ ये? क्योंकि आपको किसी ने बोला होगा ना कि इसमें पीछे कुछ हाइड्रोलिक इक्विपमेंट होता है, कुछ पावर केबल्स होते हैं, कुछ उसको ब्रेक्स होते हैं, सेफ्टी केबल्स भी होते हैं। तो किसी न किसी, आपने ये सारा इक्विपमेंट देखा है क्या? कभी नहीं नहीं देखा होगा, लेकिन आपको भरोसा है ना कि लिफ्ट ऐसे चलता है। अच्छा उतना भरोसा मेरे को स्टॉक मार्केट पे है। हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, इक्विटी मार्केट्स एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। और हर एपिसोड में वी ट्राई टू गेट समवन रियली फेमस, समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द म्यूचुअल फंड यू नो इक्विटी स्पेस। तो आज भी हमारे साथ हैव समवन हु इज अ वेरी रेनाउंड पर्सनालिटी इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर आशीष सोमैया, हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ वाइटो कैपिटल असेट मैनेजमेंट लिमिटेड। वाइटो कैपिटल असेट मैनेजमेंट ज्वाइन करने से पहले आशीष सोमैया जो है 8 साल ही हैज वर्क एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी, which is one of the highly regarded and differentiated boutique equity managers in India. Motilal Oswal AMC से पहले आशीष जो है ICICI Prudential AMC के sales and distribution को head कर रहे थे for the mutual fund PMS and real estate offerings through multiple distribution channels across India and the Middle East. He has led new product development, product management, communication and distribution channel delivery over the number of years. Mr. Ashish Somaya holds a Bachelor of Engineering in Polymer Science from Pune University and he's a Master's in Management Studies in Finance from NMIMS Mumbai University. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds Ki Baat. I'm Namrata Arora.
And today we have with us someone very special. Today we have with us Mr. Ashish Somaiya, and he is the CEO of White Oak Mutual Fund. So hello, Ashish, and welcome to this particular episode. We are truly honored to have you with us today. So let's get started with the questions. And, you know, we would love to know your views on, you know, so many questions that we have lined up for you today. So I think the first thing that all of us would like to know is, come to look at it, the Indian economy is facing a lot of challenges because of slow growth. And, you know, obviously, private capex jo hai, wo kafi sluggish hai, and there's reduced urban consumption because of higher borrowing costs. So aapke opinion mein iska stock market pe kya impact ho sakta hai? एक्चुअली स्टॉक मार्केट देखिए बिल्कुल बाय नेचर स्टॉक मार्केट सिक्लिकल है क्योंकि आर्थिक व्यवस्था जो है इकोनॉमी जो है वो भी एक तरीके से सिक्लिकल है और तेजी तेजी के बाद मंदी मंदी के बाद तेजी इस तरीके के साइकिल्स और इस तरीके के दौर बिल्कुल नॉर्मल होते हैं. जैसे आप लोग टेक लैंग्वेज में बोलते हैं कि यू नो कई चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं कि इट्स अ फीचर नॉट अ बग. तो अगर आप आर्थिक व्यवस्था की बात करें या शेयर बाजार की बात करें तो वॉलेटिलिटी सिक्लिकलिटी ये सारे दीज आर अ फीचर दे आर नॉट अ बग. और दूसरी खास बात यह है कि अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो आपके लंबे अरसे में एवरेज रिटर्न्स बनेंगे. लेकिन वॉलेटिलिटी जब होती है और जो लोग वॉलेटिलिटी के फायदा उठाते हैं उन्हीं लोगों का अबाव एवरेज रिटर्न बन सकता है. तो अगर आप सीधा आपके क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले थोड़े महीनों में जैसे आई थिंक 18 टू 20 मंथ से निफ्टी केवल एक रेंज में है राइट और एक बिल्कुल कोई चेंज नहीं है निफ्टी में. ऑफकोर्स सेक्टर रोटेशन होती है लेकिन निफ्टी में कोई चेंज नहीं है. तो जो लंबे अरसे के इन्वेस्टर हैं इन लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि 18 महीनों में जब निफ्टी चेंज नहीं हुआ है और जैसा आपने बताया मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं लेकिन वाकई में अगर आप कंपनियाँ देखें निफ्टी के अंदर की कंपनियाँ देखें सेंसेक्स के अंदर की कंपनियाँ देखें या ओवरऑल अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज जैसे देखें तो क्या अर्निंग्स पर शेयर बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है कंपनियों के कैश फ्लोज बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं. तो बाहर के चैलेंजेस की वजह से यूएस में जो हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में जो हो रहा है इसकी वजह से शेयर बाजार में उछाल नहीं आ रहा है या कोई बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है. लेकिन अंडरलाइंग जो कंपनियां हैं और मैक्रो चैलेंजेस भी आपने बताए लेकिन अंडरलाइंग जो कंपनीज हैं अगर आप देखें पिछले 18 महीनों में सेंसेक्स का ईपीएस है ये करीब करीब 26% बढ़ गया है. अगर मैं अपने पोर्टफोलियोज की बात करूँ हम लोग ईपीएस नहीं देखते हम लोग कैश फ्लोज देखते हैं. तो जब इंडेक्स में या एनएवी में कोई चेंज नहीं है तो कैश फ्लोज 35-40% बढ़ गए हैं. तो काफी भारी एक टाइम करेक्शन हुआ है. क्या है कि एनएवीज और पोर्टफोलियो सेम लेवल पे रहते हैं तो लोगों को करेक्शन नजर नहीं आता है. अगर 10 का एनएवी 8 हो जाएगा तो 20% करेक्शन नजर आएगा लेकिन 10 का एनएवी 10 रहेगा और अंडरलाइंग पोर्टफोलियो की कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी 20% बढ़ जाएगी तो वो भी एक 20% करेक्शन है जिसको हम टाइम करेक्शन बोलते हैं वो नजर में नहीं आता है लोगों को. तो आई थिंक मैक्रो चैलेंजेस हैं लेकिन साथ ही साथ कंपनीज के फंडामेंटल्स और कैश फ्लोज पे जितना मार्केट में लगता है या महसूस होता है उतना बुरा असर नहीं है. और जो भी जुडिशियसली स्टॉक पिकिंग करता है या जुडिशियसली अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करता है इन लोगों के लिए काफी मौके हैं अभी भी. सो व्हिच मींस देयर इज नथिंग मच दैट वी नीड टू वरी अबाउट एट दिस पॉइंट. नहीं बिल्कुल नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि क्या होता है कि जब वरीज हैं तब लेकिन साथ में मार्केट भी तो नहीं चल रहा है ना. उन वरीज की वजह से मार्केट में भी तो एक भारी करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है. जैसे मैंने बताया कि वो टाइम करेक्शन है और वैल्यूएशन का करेक्शन है. प्राइस करेक्शन होता तो सबको नजर आता कि भाई चलो ठीक है कंसर्न थे मार्केट करेक्ट भी हो गया. तो अभी भी मार्केट करेक्ट हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा है. ओके सो आई थिंक वन ऑफ द एसेट क्लासेस जो हम सब एज इन्वेस्टर्स हम सबको जिसमें इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है वो है गोल्ड. लेकिन अभी इन द रीसेंट पास्ट हम लोग सिल्वर में बहुत ट्रैक्शन देख रहे हैं. सिल्वर ETF saw big jump in their AUM in the month of March, right? So आपके ओपिनियन में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं हाउ शुड दे लुक एट सिल्वर ETFs? मतलब कि हाउ कैन आई कंसिडर सिल्वर एज अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो यू नो इन टर्म्स ऑफ असेट एलोकेशन. और जो सिल्वर होता है वो कितना वॉलेटाइल होता है अगर मैं इसको गोल्ड के साथ कंपेयर करूँ तो. क्योंकि गोल्ड तो हमें पता है ट्राइड एंड टेस्टेड है हम यू नो वी बीन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड फॉर डेकेड्स. लेकिन सिल्वर जो अभी एक रीसेंट ट्रैक्शन पिकअप कर रहा है तो गोल्ड के कंपेरिजन में सिल्वर कैसा माना जाता है? See, अगर जैसे हम लोग खुद भी जैसे जब एनालिसिस करते हैं रिसर्च करते हैं एसेट क्लासेस का तो एक चीज मैं नम्रता जी क्लैरिफाई कर दूं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है एसेट क्लासेस को देखने का वो केवल स्टैंड अलोन इस नजरिए से नहीं होता है कि गोल्ड ले लेते हैं सिल्वर ले लेते हैं. जैसा आप समझ सकते हैं कि हम लोग हमेशा इक्विटी फिक्स्ड इनकम गोल्ड
यूएस या ग्लोबल इक्विटी, सिल्वर जैसा आपने बताया, तो हम लोग तरह तरह के जो एसेट क्लासेस हैं इनकी रिटर्न प्रोफाइल, इनकी जैसा आपने बताया वॉलेटाइलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन, रिस्क प्रोफाइल जो भी हम देखते हैं, तो हम लोग ज्यादातर के जब किसी एसेट क्लास को देखते हैं तो उसका कोरिलेशन स्टडी करने की ट्राई करते हैं कि जब इक्विटी अच्छा करती है तब तो चलो इक्विटी में पैसा लगाते हैं, लेकिन जब इंडिया में इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करता है तो क्या ऐसा आमतौर पर ऐसा होता है कि भाई गोल्ड ज्यादा अच्छा कर रहा हो, कि अगर इंडिया का इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा है तो ऐसा होता है क्या कि सिल्वर अच्छा कर रहा हो कि गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी? तो हम लोग हर एसेट क्लासेस का रिलेटिवली परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करते हैं, और उसमें ये देखने में आया है कि अगर आप सिल्वर को देखें तो उसका जो कोरिलेशन है सिल्वर का, मेरे ख्याल में गोल्ड के साथ तो कोरिलेशन है, जब गोल्ड का दाम बढ़ता है आमतौर पर सिल्वर का दाम भी बढ़ता है ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन सिल्वर का हमारे फिक्स इनकम मार्केट से, सिल्वर का हमारे इक्विटी मार्केट से क्या कोरिलेशन है ये समझना मुश्किल है, कोई क्लियर कोरिलेशन देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे हमारे फंड्स हैं उसमें सिल्वर में अलाउड है इन्वेस्ट करना, लेकिन फिलहाल हम लोग रुके हुए हैं, हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने देखी है, जैसा आपने कोरिलेशन या वॉलेटिलिटी की बात की, तो मैंने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर का कोरिलेशन है, जब भी इंटरनेशनल मार्केट्स खराब करते हैं, इक्विटी मार्केट्स जब खराब करते हैं, समझो डॉलर में डेप्रिसिएशन आता है, तब देखा गया है कि गोल्ड भी अच्छा करता है और साथ ही साथ सिल्वर भी अच्छा करता है, लेकिन सिल्वर की वॉलेटिलिटी जो मैंने देखी है वो गोल्ड से कई ज्यादा है। और दूसरी बात, सिल्वर की जो मार्केट है इसके जो ड्राइवर्स हैं, किन किन चीज़ों की वजह से इसमें फ्लक्चुएशन आती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज है, फाइनेंशियल मार्केट की स्पेकुलेशन है, सेफ एसेट, मतलब गोल्ड की तरह इसको भी एक सेफ एसेट देखा जाता है, तो सिल्वर के जो ड्राइवर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, बट आमतौर पर मैंने देखा है कि जब डॉलर वीक होता है तब गोल्ड चलता है और तभी सिल्वर भी चलने लगता है। सो देन आइडियली क्या गोल्ड और सिल्वर दोनों होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, और कैन वी जस्ट पिक वन? दोनों कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर दोनों भी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, सिल्वर की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है ऐसा मैंने देखा है। फेयर एनफ, ऑलराइट, ओके। अब अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन द रीसेंट पास्ट, यू नो, लास्ट वन मंथ और सो, एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं आफ्टर द रीसेंट मार्केट यू नो स्लम्प। तो आपके ओपिनियन में इज दिस द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टर्स, कि क्या उनको मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? और आई थिंक ये डिबेट हमेशा से ही रहती है कि व्हाट शुड एन इन्वेस्टर्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्ट्रेटजी भी, और इन फंड्स के लिए टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग यू नो जब इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज में तो वो टाइमिंग करना चाहते हैं, तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स, क्या टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है? आइडियल टाइम होराइजन क्या होना चाहिए, मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना होना चाहिए व्हेन आई एम लुकिंग एट मिड कैप एंड स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी? तो नम्रता जी, अगर आप सीधा अगर आप मुझे पूछे तो मेरे एक्सपीरियंस में या मेरा प्रेफरेंस या पर्सनल जो भी मुझे समझ में आता है, आई थिंक मार्केट का जो स्वीट स्पॉट जिसको आप बोल सकते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट है मार्केट का, वो मुझे लगता है मिड कैप है। और मिड कैप में ऑफकोर्स लोग खुद मिड कैप्स खरीदते हैं, मिड कैप में लोग यू नो प्री प्रिस्क्राइब जो पोर्टफोलियोज वगैरह होते हैं, बास्केट्स होते हैं, स्मॉल केसेस होते हैं, वो खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी खरीदते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करते हैं, तो तरह तरह के तरीके हैं मार्केट को एक्सेस करने के। लेकिन मार्केट एक्सेस करने में जो स्वीट स्पॉट मुझे समझ में आता है, जिसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, वो मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि मिड कैप है। और मिड कैप से मेरा तात्पर्य है निफ्टी का जो मिड कैप 150 का इंडेक्स है, वो जो लोग स्टॉक पिकर्स हैं वो तो केवल निफ्टी का मिड कैप 150 का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे, वो तो काफ़ी सारे स्टॉक्स खरीद सकते हैं और वाइडर डेफिनेशन ऑफ मिड कैप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स के नजरिए से देखें तो मार्केट का बेस्ट परफॉर्मिंग कंपोनेंट मैंने देखा है मिड कैप 150 जो स्टॉक्स हैं वो है। इसके पीछे के कई कारण हैं, सबसे बड़ा कारण इसके पीछे का ये है कि अगर हम सोचते हैं कि अगले 5-10 साल में इंडिया लोअर मिडिल क्लास कंट्री से मिडिल क्लास कंट्री बनेगा, समझो कि $2,500 पर कैपिटा इनकम से हमारी पर कैपिटा इनकम $6,000-$7,000 होती है, तो हम एक मिडिल क्लास कंट्री बनेंगे। और वर्ल्ड ओवर ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब एक कंट्री लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास बनती है तो लोगों का जो एस्पिरेशन होता है, दैट इज टू लुक बेटर, टू लिव बेटर, और अपने फ्यूचर की तैयारी करें। अब ये लुक बेटर, लिव बेटर जो भी आप बोले, इसमें पूरा डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एपेरल्स, फुटवेयर, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब कुछ आ जाता है डिस्क्रेशनरी स्पेंड।
और अगर आप सेविंग इन्वेस्टिंग की बात करें तो पूरा वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, ये सब कुछ आता है। अब आप हमारी इंडस्ट्री, हमारी मार्केट अगर आप देखें तो ज्यादातर इस सेक्टर की कंपनियां मिड कैप में आती है, थोड़ी बहुत स्मॉल कैप में भी होती होंगी बट ज्यादातर मिड कैप में आती है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं कि गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अनाउंस किया है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के जितने भी सेक्टर हैं वो आप मानेंगे नहीं, सारे के सारे मिड कैप में है, चाहे वो ऑटो एंसिलरीज हों, चाहे वो फार्मा एपीआईज, केमिकल्स, आप जितने भी सेक्टर सोच सकते हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ईवी कंपोनेंट्स, सब कुछ मिड कैप में है, डिफेंस, ऑल मिड कैप कंपनीज। तो मिड कैप के पीछे काफी मैक्रो टेलविंड्स भी हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। एक चीज आपने पूछी थी टाइमिंग को लेकर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, टाइमिंग मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉलेटिलिटी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो, मतलब टाइमिंग करना नहीं करना कितना मुश्किल है, नामुमकिन है, वो सब के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट जरूरी है, जरूर इंपॉर्टेंट है, और मिड एंड स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड व्हाट वुड बी द आइडियल टाइम इन्वेस्टमेंट होराइजन? हमेशा ऐसा बताया जाता है कि 5-10 साल के ऊपर, जैसे आपके सारे श्रोता और लिसनर्स या व्यूअर्स जो हैं, मेरे ख्याल में सब 20 से 35, 20 से 40, इस एज ग्रुप में अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो सब लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करियर जो है वो 20-30-40 साल का है। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80-85-90 हो जाएगी, जब तक ये अभी का जो जनरेशन है, व्हेन दे बिकम ओल्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 हो जाएगी, राइट? तो सबको प्लानिंग तो लंबा करना है, तो टाइम होराइजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली पिच पे डटे रहना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी आपके सवाल को मैं अवॉइड नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 5-7 ईयर्स का टाइम होराइजन होना चाहिए अगर वाकई में। देखिए सब लोग आमतौर पर मिस्टर बफेट के एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि मिस्टर बफेट जो है, ही इज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर बिकॉज ही लिव्ड लॉन्ग एंड ही इन्वेस्टेड लॉन्ग। Yeah, I mean, I guess investing for long term is definitely the key. लेकिन ये ऐसा होता है कि behavioral aspects बहुत आ जाते हैं। A lot of investors tend to take out their money अगर उनको लगता है कि थोड़े भी returns मिल गए तो चलो निकाल लो पैसे, ये इतना risky asset, you know, volatility ज़्यादा हो सकता है। So I guess what you're rightly saying is कि जितना लंबे समय के लिए हम invest कर सकते हैं, that would be better for any investor. Yeah. Okay. Absolutely. So we interact with so many investors on a regular basis and bahut sari interesting theories nikal ke aati hain, and one of the theory is the SIP date, right? So bahut sare logo ko confusion rehta hai, of course most investors jo hai wo monthly SIP hi karte hain, lekin frequency ko leke bhi hame questions aate hain ki kya hame daily, weekly ya monthly SIPs karna chahiye, ya jo date hum select karte hain kya uska farak padta hai in terms of the returns that we are getting. So can you please clarify a little bit on this particular theory? See, we'll stay with the theme of long term. जैसा आपने बताया कि सबको समझ में आता है लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए अगर आप एक महीने के लिए SIP कर रहे हैं और 12 महीने में पैसा निकाल लेने वाले हैं, तब तो डेली SIP किया या वीकली SIP किया इट माइट मैटर। लेकिन अगर हम अज्यूम करते हैं कि सब लोग अपने लॉन्गर टर्म गोल्स के लिए 5-10 साल के लिए SIP कर रहे हैं, तब तो हमने इसके ऊपर काफी एनालिसिस किया है। वाइट ओक जो मेरी कंपनी है उसका इसके ऊपर काफी एक चर्चित पूरा रिपोर्ट बनाया गया है, हम लोगों ने पूरा एक रिपोर्ट बनाया है, और हमारा एनालिसिस और स्टडी ये कहता है कि कौन से डेट पे इन्वेस्ट करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लंबे अरसे में, डेली करते हैं या वीकली करते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाली बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज बढ़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नाराज होते हैं, और कुछ नहीं फायदा होता है उससे एक्चुअली। तो मंथली SIP आप करिए, कोई भी दिन पे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ एक एक चीज जरूर हम लोगों को इसमें सीखने को मिली है, जो मैंने पहले भी बताया कि बेस्ट परफॉर्मिंग कंपोनेंट ऑफ द मार्केट ये रहा है कि मिड कैप रहा है। तो मिड कैप फंड्स की जो SIPs हैं, इन्होंने मिड कैप फंड्स की जो SIPs हैं उसने निफ्टी, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी 500 सबसे ज्यादा रिटर्न लंबे अरसे में निफ्टी मिड कैप 150 का जो सेगमेंट है उसने दिया है। तो SIP करिए, लंबे अरसे पे करिए, जब मन करे कोई भी दिन पे डेबिट करिए, आप ऐसे कॉइन टॉस करके डिसाइड कर लिए कौन से दिन पे करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट डू यू थिंक इफ वी जस्ट, अगर हम एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें और अगर हम बोले कि आप महीने के शुरुआत में करिए, जिससे कि महीने के अंत तक आपके पास इन्वेस्टमेंट वो हो सकता है, राइट, कि महीने के अंत तक आपके पास पैसे ही ना बचे, तो एटलीस्ट शुरुआत में कर लीजिए, तो वो डिसिप्लिन बना रहता है। Do you think it's a little more logical? It may not have an impact on the returns. हाँ, return पे कोई असर नहीं पड़ेगा। Discipline के जरिए से तो definitely
हमेशा डिसिप्लिन के जरिए से तो ऐसा बोला जाता है ना कि इन्वेस्टमेंट माइनस सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंस इज नॉट सेविंग, इनकम माइनस सेविंग शुड बी योर एक्सपेंस. तो वो तो दैट मींस दैट यू शुड डू इट ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ व्हेन योर सैलरी कम्स. फेयर एनफ. सो अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग असेट क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं. आई एम श्योर आप भी इतने इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको भी ये सवाल बहुत आया होगा कि यू नो हम सब जानते हैं कि असेट क्लासेस तीन चार, वी हैव मल्टीपल असेट क्लासेस, इक्विटी, गोल्ड एंड यू नो फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट. सो इन योर ओपिनियन जो रियल एस्टेट है एज एन असेट क्लास वो एक इन्वेस्टर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है? सो व्हेन आई से रियल एस्टेट, चाहे वो यू नो लाइक फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स, आप लैंड खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, सो ऑन, वर्सेस इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि रियल एस्टेट भी लॉन्ग टर्म ही मानी जाती है. कोई एक साल के लिए लैंड खरीद के नहीं बेचेगा, राइट? सो आई एम श्योर यू वुड अग्री कि जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि जस्ट लाइक एनी अदर फिजिकल इन्वेस्टमेंट दैट वी मेक. तो जो रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि उसमें रिस्क इतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू एक्विटीज. सो आई एम श्योर हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो आपका व्यू रियल एस्टेट पे जरूर जानना चाहेंगे. नहीं, एक्चुअली नम्रता जी, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट रियल एस्टेट. वैसे हमेशा 24-25 ईयर्स से मेरा पूरा का पूरा जो जो भी मैंने काम किया है, जो भी मैंने सीखा है, कमाया है, वो तो इक्विटी से कमाया है और इक्विटी से ही सीखा है. लेकिन अगर आपको आर्थिक व्यवस्था में इंटरेस्ट है, अगर आप इक्विटी पे बुलिश हैं, तो आप रियल एस्टेट पे बेरिश नहीं हो सकते हैं. देखिए, 2010 टू 2020 का जो डिकेड था ना, उसमें से हमको रियल एस्टेट के बारे में लर्निंग निकाल के एक्सट्रापोलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो डिकेड था उसमें हमारे कंट्री में काफ़ी सारे यू नो डिसरप्टिव चेंजेस हुए. जैसे रियल एस्टेट का रेगुलेशन आया, बैंकों के इतने NPAs हो गए, ILFS जैसी बड़ी संस्था डूब गई, बीच में क्रेडिट क्राइसिस हुआ. तो काफी कारणों की वजह से रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस 2010 से 2020 खराब था. उसको हम लोगों को डिलीट कर देना चाहिए अपने मेमोरी से. लेकिन लंबे अरसे में अगर आप इक्विटी, आर्थिक व्यवस्था पे, इक्विटी पे, जो मैंने बताया कि इंडिया का पॉपुलेशन या मिडिल इनकम कंट्री बनेंगे, इन सब चीजों पे अगर आप बुलिश हैं, तो हमको रियल एस्टेट पे यू कैन नॉट बी बेरिश. दैट इज फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम माय ओपिनियन. दूसरा चीज ये है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, देखिए क्या है रियल एस्टेट, आपने सही बोला कि जिस घर में हम रहते हैं उससे ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं. लेकिन एक मिनट के लिए आप ये सोचिए कि जिस घर में आप रहते हो, अगर आप यंग एज में एक घर खरीदते हो, तो वो पूरे 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 घर का तो आप शायद डाउन पेमेंट पे तो पूरा घर ले नहीं पाओगे. तो फर्ज कीजिए कि आपने 20% पे किया, बाकी 80% बैंक से आएगा. अब यहाँ पे रुक के आप एक मिनट के लिए सोचिए कि ऐसा कौन सा एसेट क्लास है या ऐसा कौन सा, एक मिनट के लिए इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर अप्रिशिएट होगा तो आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी ना भाई. आप उस घर में रह रहे हो, बात सही है, उसको बेचोगे नहीं, बात सही है, लेकिन अप्रिशिएट होगा तो आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी ना, राइट? तो आप लॉजिकली सोचिए कि ऐसा कौन सा एसेट क्लास है जहां पे 20 पैसा आप लगाते हैं और 80 पैसा आपको देने के लिए लोग सुबह शाम आपको फोन करते हैं कि भाई ले लो, राइट? सो देखिए, इक्विटी मार्केट का क्या है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई लीवरेज देता नहीं है, और आमतौर पर लीवरेज इज अ बैड वर्ड. लेकिन मेरी डिक्शनरी में एक हेल्दी लीवरेज नाम की भी चीज है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही चीज के लिए लीवरेज करें तो आपकी लाइफ में नेटवर्क ज्यादा जल्दी बढ़ सकती है. जैसे मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, द फर्स्ट टाइम मैंने जब घर खरीदा, मैं खाली 26 इयर्स का था और आई वॉज 26 इयर्स ओल्ड. काफी लोग और जल्दी खरीदते हैं. मैं 26 इयर्स का जब था तब मैंने 10% डाउन पेमेंट दिया, बैंक से मैंने 90% लोन लिया, राइट? उससे आप देखिए क्या हो गया. आई डोंट थिंक 26 इयर्स में मेरे में अकल थी या मैं डिसिप्लिन था, लेकिन आपने अभी थोड़े समय पहले बताया कि महीने की पहली तारीख को ऑटोमेटिकली पैसा घर के पेमेंट में चला गया. और अगर सही सही होता है ना, तो 100 रुपए का घर 10 साल में अगर 200 भी होता है, समझो कि इक्विटी के रफ्तार से नहीं बढ़ेगा, जो भी अप्रिसिएशन आएगी तो नेटवर्क बढ़ेगा ना. तो ओपन माइंडेड होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है इक्विटी इज अ वेरी गुड एसेट क्लास. सब लोगों के लिए इक्विटी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे एसेट क्लास बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिकल और स्मार्ट थिंकिंग करनी चाहिए इसके ऊपर. ओके, सो व्हिच मींस इक्विटीज में तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, बट रियल एस्टेट में भी यू कैन, एज इन्वेस्टर्स वी कैन गो बुलिश. क्लोज माइंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही ऐसा एसेट क्लास है जिसमें आपको लीवरेज मिलता है, और अगर आप सही जगह पे घर खरीदेंगे हेल्दी लीवरेज के साथ, अपने आप को स्ट्रेच नहीं करेंगे, तो काफी अर्ली इन लाइफ आपका नेटवर्थ बनता है उससे.
फेयर इनफ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. ओके, सो बैलेंस शीट भी कुछ चीज होती है ना. सॉरी, बैलेंस शीट भी कुछ चीज होती है, खाली पीएनएल और कैश फ्लो नहीं देख सकते ना. Sure, absolutely. Okay, so now I think understanding a little bit about how to select the right mutual fund schemes, I think ये हमेशा एक investor के लिए challenge ही रहा है, क्योंकि इतने सारे schemes available हैं, तो as an investor वो confusion हमेशा रहता है कि हम एक सही mutual fund scheme अपने लिए कैसे select करें. And now come to look at इतने सारे नए funds भी आ रहे हैं market में, we have so many NFOs which are going on. So in your perspective, जब एक investor को एक equity mutual fund में invest करना है, तो क्या NFOs में invest करना चाहिए? I mean, what is your take on NFOs? And also, क्या उनको ऐसे NFOs में invest करना चाहिए जो एक specific theme follow करते हैं? What are some of the parameters that should be considered basically? So, एक दुविधा है इसमें. एक दुविधा है, तो मेरा response जो है, it should be taken with pinch of salt. क्योंकि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, पिछले साल जैसे हमने वाइट ऑक कैपिटल, अगर आप देखें तो काफ़ी सालों से एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है इंडिया में, काफ़ी सालों से पीएमएस और एआईएफ मैनेज करते हैं हम लोग, लेकिन पिछले साल हमने एक एएमसी का टेक ओवर किया और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एएमसी को बिल्ड करना और स्केल करना. तो हम लोग के एनएफओज आए भी हैं और आएंगे भी. तो मेरा पर्सपेक्टिव आप इस नज़रिए से देखें कि भाई अगर हम एक नई एएमसी शुरू करते हैं तो एनएफओ लॉन्च करना अनिवार्य है, बिकॉज और तो कोई तरीका है ही नहीं मार्केट में एंटर करने का. तो वो तो हमको तो एनएफओ करने पड़ेंगे. लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिवली रिस्पॉन्स दूँ तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनएफओज फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव. देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब मार्केट में एंटर करती है तो उसको तो एनएफओ से ही शुरुआत करनी है ना, और तो आप क्या करोगे. लेकिन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एनएफओज. देयर आर ओनली टू थ्री थिंग्स व्हिच आर फेवरेबल और व्हिच वन शुड लुक एट. पहली बात यह है कि अगर कोई फंड मैनेजमेंट स्टाइल है या कोई फिलॉसफी है या कोई प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है जो नया, उसका नया ईजाद किया जा रहा है और जो पहले अवेलेबल नहीं थी, तब तो वो एनएफओ से ही शुरुआत होगा, राइट. तो अगर कोई भी एनएफओ लॉन्च करता है तो क्या वो डिफरेंशिएटेड है, वो एग्जिस्टिंग जो अवेलेबल है उससे, उसमें कुछ अलग है या नहीं है, कुछ आपको उसमें नया मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो देखना चाहिए. अदरवाइज आई डोंट थिंक कि ज़्यादा एनएफओस को देखना चाहिए लोगों ने. दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर आप मिड कैप फंड्स देखते हैं, स्मॉल कैप फंड्स देखते हैं, तो आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़ी फंड साइज जब हो जाती है, जैसे अल्फा जो है, आउट परफॉर्मेंस जो है, एक तो पहली बात सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स का इंडेक्स के ऊपर का जो आउट परफॉर्मेंस है वो इनकंसिस्टेंट रहा है और बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स चेंज होते रहते हैं, विनर्स की रोटेटिंग. लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि स्मॉल कैप मिड कैप में और कुछ सेगमेंट्स में जो छोटे फंड्स होते हैं, नए फंड्स होते हैं, वो शुरुआत में दे सीम टू आउट परफॉर्म द फंड्स विच आर 10-20,000 करोड़ इन साइज. तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए. अदरवाइज एक समझो कोई मी टू कैटेगरी है, इसमें 30-40 अलग अलग फंड है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड है और एक कोई फंड ऐड करता है, तो आई डोंट थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव उसमें कोई बहुत एक्साइटमेंट होना चाहिए. Okay, all right. Okay, I mean, that was a very honest answer from your end, I must say. Okay, all right. So, tell us a little bit about multi-asset allocation funds. So, abhi hum jaise gold ki baat kar rahe the, and gold and silver in our portfolio, and we were discussing ki alag-alag asset classes hamare portfolio mein, of course, it can have a good impact. So, jo multi-asset allocation funds hote hain, jo obviously equity or debt mein invest karte hain, and a third asset class, which mostly is gold, तो जिसमें मिनिमम मैंडेट रहता है कि 10% आपको हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, राइट. तो आपके ओपिनियन में जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट, उनके लिए ये फंड्स कितने अच्छे होते हैं? इन फंड्स में जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं, उसमें कितना परसेंटेज एलोकेशन मेरे पोर्टफोलियो का होना चाहिए एंड द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन? सो नम्रता जी, हमारे इंडस्ट्री को, हमारे इंडस्ट्री में कुछ सिंपल ज्यादातर रहता नहीं है, कॉम्प्लिकेशन करने की काफी प्रॉब्लम है. तो आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग कि जैसे मल्टी एसेट फंड्स जितने भी हमारे इंडस्ट्री में फिलहाल में अवेलेबल हैं, वो मुझे नहीं लगता दे आर नॉट जेन्युइनली मल्टी एसेट फंड्स. क्योंकि क्या है कि वो एक टिक बॉक्स करने के लिए, जैसा आपने बताया कि तीन अलग अलग एसेट क्लास में मिनिमम 10% होना चाहिए, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि फिलहाल इंडस्ट्री में जितने भी मल्टी एसेट फंड्स हैं वो सारे के सारे बैलेंस फंड विद 10% गोल्ड, इस तरीके का उनका कंस्ट्रक्शन है. क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर देखें, एएमसी देखें, फंड मैनेजर देखें, सब लोगों को टैक्स के ऊपर सबका बहुत ज्यादा फोकस रहता है. और कई बार मैंने ऐसा टेंडेंसी देखा है कि टैक्स बचाने के लिए गेन को ही अवॉइड कर देते हैं, ऐसा मतलब माहौल बन जाता है कभी कभी.
तो एक्चुअली ये जितने भी मैंने मल्टी एसेट फंड्स देखे हैं, सब लोग इक्विटी टैक्सेशन की चेष्टा करने की वजह से सब 65% 70% इक्विटी में है, और मल्टी एसेट कैटेगरी को सेटिस्फाई करने के लिए केवल 10% गोल्ड में डाल दिया। तो एक्चुअली कोई जेन्युइन मल्टी एसेट फंड्स है ही नहीं हमारे इंडस्ट्री में। हम लोग अभी एक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग खुद एक मल्टी एसेट फंड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम जो मल्टी एसेट फंड क्रिएट कर रहे हैं उसका हमने स्टार्टिंग पॉइंट टैक्सेशन नहीं रखा है। हमने ये जैसा आपने बताया क्लियरली, इट्स कोइंसिडेंस दैट यू आस्क मी, क्लियरली हमारा जो फंड है हम लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए बना रहे हैं, या कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हैं, या तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए बना रहे हैं जो बैंक में से 6-7% मिलने पे खुश नहीं है और कुछ परसेंट 2-3% ज्यादा चाहते हैं, उसके लिए हमने बनाया है। तो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट इक्विटी नहीं है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट टैक्सेशन नहीं है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि एसेट एलोकेशन का कॉम्बिनेशन एक फंड के अंदर कैसे बनाए जिससे के फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न मिले, और वोलेटाइलिटी फिक्स्ड इनकम की हो या फिक्स्ड इनकम से कम वोलेटाइलिटी हो। तो फर्ज कीजिए कि आपको ऐसा कोई फंड मिलता है जिसका एसेट एलोकेशन इस तरीके से बनाया जाए जो वोलेटाइलिटी को कम करे और रिटर्न को थोड़ा सा अबव एवरेज या अबव फिक्स्ड इनकम करके दे दे, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए ना आप इक्विटी टैक्सेशन वगैरह नहीं कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या किया है, डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, गोल्ड और फिक्स इनकम, चारों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। और हमारा जो फंड है उसका हमने बैक टेस्टिंग और पूरा हिस्टोरिकल मॉडल क्रिएट किया है। इसमें हमारा एलोकेशन आता है 25-26% डोमेस्टिक इक्विटी, 20-22% गोल्ड ऑन एन एवरेज, 8-10% ग्लोबल इक्विटी और 50-55% फिक्स इनकम। इस तरीके का हमारा एसेट एलोकेशन बनता है। और अभी जो नए टैक्स चेंजेस हुए हैं उसके बाद ये हाइब्रिड टैक्सेशन में आएगा, तो हम लोग 35% से ज्यादा इक्विटी रखेंगे तो ये 3 साल पे होल्ड करने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेगा और इस पे 20% विद इंडेक्सेशन का टैक्स लगेगा। तो ये एक अलग अलग मतलब नाम मल्टी एसेट है, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा कोई फंड नहीं है, इट इज बीन क्रिएटेड डिफरेंटली। So, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो कैन वी कॉन्फिडेंटली से कि जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स है इन द सेंस दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, उसका रिटर्न शायद कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से बेटर हो सकता है? आई मीन दो चीजें मैं आपको बोलूंगा, फिक्स्ड इनकम से बेटर और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से बेटर या इक्विटी सेविंग्स फंड से बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। दूसरी बात आप ध्यान में रखिए कि अगर आपको लॉन्ग टर्म एसेट के तौर पर क्वालिफाई करना है तो 3 साल तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर 3 साल इन्वेस्ट करना ही है तो अगर हम लोग एक जुडिशियस मिक्स के साथ डोमेस्टिक इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली केवल फिक्स्ड इनकम का नहीं, दूसरे 3 अलग एसेट क्लासेस का रिटर्न स्ट्रीम भी आप देख सकते हैं। उसकी कोरिलेशन या लैक ऑफ कोरिलेशन की वजह से लोअर वॉलेटाइलिटी और रिस्क रिडक्शन भी आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ बेटर कैटेगरी कंपेयर टू इक्विटी सेविंग, बेटर कैटेगरी कंपेयर टू कंजर्वेटिव हाइब्रिड, क्योंकि इक्विटी सेविंग और कंजर्वेटिव हाइब्रिड में अगर गोल्ड या ग्लोबल इक्विटी नहीं रहेगा तो वो जो कोरिलेशन या इसके पीछे का जो पूरा स्टेटिस्टिक्स या एरिथमेटिक है वो बिगड़ जाएगा और उसकी वॉलेटाइलिटी इस फंड से ज्यादा रहेगी। एक्चुअली इस फंड की वॉलेटाइलिटी दूसरे जो कैटेगरीज आप बता रहे हैं उसके मुकाबले इस फंड की वॉलेटाइलिटी आप लोअर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस ऑब्वियसली वॉलेटाइलिटी थोड़ी कम ही रहेगी। फेयर एनफ। ओके Now let's talk a little bit about switching of mutual funds, क्योंकि बहुत सारे investors जो हैं, and I've seen that quite often कि investors जो हैं बहुत frequently अपने portfolio को switch करते रहते हैं, अपने funds को switch करते रहते हैं, right? And we get asked this question very often कि हमें switching करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना frequently करना चाहिए। So एक आप एक बात बताइए कि जो स्विचिंग ऑफ फंड्स होते हैं क्या वो ट्रूली बेनिफिट करते हैं एज एन इन्वेस्टर, और एक इन्वेस्टर को कब अपने फंड्स स्विच करने चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली स्विच करना चाहिए? एक्चुअली देयर इज वन थिंग टू कीप इन माइंड, आपको ये देखना चाहिए कि एक फंड जो है वो, इसका एक सिंपल तरीका ये है कि जो जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया है ये क्या नैरोली पोजिशन फंड है, मतलब नैरो मैंडेट है क्या? जैसे आपने थोड़े समय पहले थीमेटिक फंड्स की बात कर रहे थे, राइट? तो समझिए कि कोई एक ऐसा फंड है जो कहता है कि फार्मा फंड है, ओनली स्मॉल कैप है, ओनली फार्मा है, ओनली डिफेंस सेक्टर, एक्सपोर्ट्स, आईटी, पीएसयू, कॉन्ट्रा फंड, स्पेशल सिचुएशन फंड। तो कोई भी देखिए, जो पूरा मार्केट जो है, पूरा मार्केट कवर होता है बीएसई 500 में,
और BSE 500 जो है ये डिफेंस कॉन्ट्रा लार्ज कैप स्मॉल कैप नहीं है, ये पूरा मार्केट है, इसमें पूरे मार्केट, इट इज ग्रोथ ऑल्सो वैल्यू ऑल्सो डिफेंसिव ऑल्सो साइक्लिकल ऑल्सो लार्ज कैप ऑल्सो स्मॉल कैप ऑल्सो, हर चीज का इसमें समावेश हो जाता है। तो स्विचिंग करना, कब स्विचिंग करना चाहिए, जब समझो कि एक फंड ब्रॉड बेस्ड फंड है, उसमें पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करने की उसको आपने छूट दे दी है, राइट, फिर भी 2 साल निकल गए 3 साल निकल गए परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, तो देन यू विल हैव टू से दैट अच्छा भाई अभी इसमें जो पहले शायद अच्छा होगा लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। समझिए कि एक फंड बहुत नैरोली पोजिशनड है, कि वो कहता है कि भाई हम लोग खाली सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे, हम खाली डिफेंस, तो अब नैरो फंड है तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि एक तो पहले पास परफॉर्मेंस, अभी समझो 2021 में आईटी बहुत चला, आपने 2022 के शुरुआत में डेटा निकाला, बोला आईटी बेस्ट सेक्टर है, आईटी फंड खरीद लिया, तो 2022 में, तो 2021 में बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, 2022 में 20% डाउन है, तो क्या करेंगे, अब परचेज डिसीशन ही गलत हो गया है, राइट, तो उसको स्विच करने से कोई फायदा नहीं है, वो 20% लॉस आप बुक करेंगे, अब क्या करेंगे उसको, फिर आप उसमें लगे रहिए, आप फिर आईटी का फिर दौर चलेगा, फिर वो इम्प्रूव होएगा। तो बोलने की बात ये है कि अगर कोई अंडरस्टैंडेबल रीजन है जिसकी वजह से फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे मैं 2022 का एग्जांपल देता हूँ, हमारा म्यूचुअल फंड तो नया है लेकिन हम PMSAIF काफी अरसे से चलाते हैं, तो हर साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था, लेकिन डिस्पाइट रनिंग ब्रॉड स्ट्रेटेजी डिस्पाइट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, 2022 का साल हमारे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं था, एक्चुअली इट वॉज अ बैड ईयर, लेकिन वो क्योंकि स्पेसिफिक रीजन है, वो पहले से सबको पता है कि हम लोग कमोडिटी ग्लोबल कमोडिटीज साइक्लिकल कंपनीज बैड गवर्नेंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ये सब हम नहीं खरीदते हैं, तो नहीं था पोर्टफोलियो में, राइट, तो एक साल में कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। सो एक्चुअली किस वजह से अंडर परफॉर्मेंस आ रही है वो समझना जरूरी है। जनरली स्पीकिंग ब्रॉड स्ट्रेटेजीज जो है उसको आप 2-3 साल देंगे तो उसका परफॉर्मेंस आ जाएगा, दे विल बी एबल टू मैनेज इट। लेकिन अगर आप एक पहली बात तो आप नैरो या थीमेटिक सेगमेंट्स में जाइए मत, और अगर जाते हैं तो फिर स्विच मत करिए, लंबे अरसे के लिए आप डटे रहिए। आई थिंक दिस इज दी पर्सपेक्टिव टू कीप इन माइंड कि नेवर मेक अ स्विचिंग डिसीजन विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई स्ट्रेटेजी क्या है उसकी। एंड फेयर इनफ, लेकिन आइडियली इट शुड मैच विद योर ओन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एज वेल, वरना बहुत स्विचिंग करने से क्या होता है वो तो हम सब लोगों को एयरपोर्ट के सिक्योरिटी लाइन में एंट्री डोर में सब जगह दिखता ही है, बहुत स्विचिंग करने से क्या होता है। Right, it's also it's the investor mindset, right? क्योंकि I think as investors हमें हमेशा ये लगता है कि मेरे किसी और की इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टमेंट से बेटर कर रही है। आई थिंक वी ऑलवेज फील दैट समबडी एल्स इज द ग्रास ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। ऐसा जब हम लोग बचपन में ऐसा होता था, एक बहुत फेमस डिटर्जेंट की एड आती थी, उसमें ऐसा पूछता था एक बंदा कि भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट में लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। आई एग्री। सो एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट लिंक्ड टू व्हाट यू वर टॉकिंग इन दिस पर्टिकुलर आंसर, बिकॉज जो म्यूचुअल फंड्स की हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, राइट, एंड लॉट ऑफ देम दीस डेज जो बोलते हैं कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो गारंटी नहीं करता है कि आपको फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे, राइट, लेकिन फिर भी बहुत इन्वेस्टर्स जो हैं ऐसे फंड्स को पिक करते हैं जो पिछले साल बहुत अच्छा करे या फिर विच गिव ग्रेट रिटर्न्स इन द शॉर्ट टर्म, राइट, विदाउट रियली इग्नोरिंग द रिस्क विच वॉज इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस, राइट। तो आपके व्यू में जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल वी आर सिलेक्टिंग एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, एंड और क्या फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं व्हाइल वी आर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम? सी एक्चुअली पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर, एंड पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ अ फ्यूचर, वो बात सही है, लेकिन क्या है कि इन एब्सेंस नोबडी कैन सी द फ्यूचर, सो इन एब्सेंस ऑफ फ्यूचर द रियलिटी इज दैट वेदर इट इज लाइफ और इन्वेस्टिंग और रिलेशनशिप्स और एनीथिंग वी ऑलवेज एटलीस्ट ड्रॉ रेफरेंस फ्रॉम पास्ट, करेक्ट, और जो आप बता रहे हैं जैसे वॉलेटाइलिटी है या यू नो अपना खुद का रिस्क टॉलरेंस है, ये सब मेरे रिस्क टॉलरेंस से फिट होता है कि नहीं होता है, कितना वॉलेटाइल है, अगर मैं हर साल का रिटर्न देखूं तो ऐसा कितनी बार, मतलब अगर मुझे 10 साल इन्वेस्ट करना है लेकिन अगर मैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो कितनी बार ऐसा होता है कि भाई 10 साल में इन्वेस्ट करेंगे तो कितने साल ऐसे जाते हैं जहाँ पे रिटर्न नहीं बनता है, नेगेटिव बनता है, व्हाट आर द पास्ट एवरेजेस, तो ये सब एक्सपीरियंसेस जो है वॉलेटाइलिटी के आंकड़े हैं। अगर मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो ऐसा कितनी बार होता है कि 5 साल इन्वेस्ट करने के बावजूद रिटर्न नेगेटिव आया, ये सब डेटा देखना और समझना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक स्कीम या एक स्कीम टाइप है
या एक पोर्टफोलियो टाइप है उसके पास्ट रिटर्न और रिस्क नहीं, रिटर्न और रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टेटिस्टिक्स है वो पूछना चाहिए. आई थिंक दैट इज रेफरेंस पॉइंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो उतना समझना चाहिए कि भाई इस तरीके की जो कैटेगरी है इसका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है. जरूर ये बात सही है कि अगर पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न 12% है तो आप अज्यूम मत करिए कि भाई अगले 5 साल हर साल 12 आएगा. 12% भी कैसे आता है, कभी +40 कभी -20 विद ऑल वॉलेटिलिटी. सो आई थिंक पास्ट का केवल रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए, उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए और पास्ट के रेफरेंस पॉइंट में भी क्या डेटा देखना चाहिए वो बहुत जरूरी है. बट देन डू यू थिंक कि हम कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स देख सकते हैं इन द लास्ट से 7-8-10 ईयर्स काइंड ऑफ अ थिंग, अगर उतना मतलब लाइफ रहा है फंड का तो कंसिस्टेंसी ऑफ जरूर. सी यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट इक्विटी जो है उसमें कोई कंसिस्टेंसी नाम का चीज ही नहीं है, क्योंकि इक्विटी का जो मार्केट है, इक्विटी का जो इंडेक्स है, दैट इटसेल्फ इज नॉट कंसिस्टेंट. आप देखिए, मैं आपको 1991 में इंडियन मार्केट लिबरलाइज हुआ जब से FIIs आए, सारे सेक्टर्स खुल गए, तो 91 से लेके अभी तक का सेंसेक्स का हिस्ट्री 12-12.5% कंपाउंडेड है. लेकिन बेस्ट ईयर ऑफ सेंसेक्स मस्ट बी +70% एंड वर्स्ट ईयर ऑफ सेंसेक्स माइट बी -30 और -40, राइट? तो कैसा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप समझिए, आज हम लोग एक एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि पिछले 30 साल में एक एक साल के, मतलब समझो आपने कभी भी इन्वेस्ट किया, एक साल के बाद विड्रॉ कर लिया, फिर इन्वेस्ट किया, फिर विड्रॉ किया एक साल के बाद, फिर इन्वेस्ट किया, फिर विड्रॉ किया एक साल के बाद, राइट? तो ऐसे आप एक एक साल के टाइम विंडोज समझिए, आप लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक एक साल के टाइम विंडोज आप लेते जाइए. फिर आपको डेटा मिलेगा कि भाई एक एक साल का टाइम विंडो इतना सारा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते थे. फिर आपको मिलेगा कि भाई वन ईयर, पिछले 30 ईयर्स में किसी ने लगातार एक एक साल के लिए इन्वेस्ट करके निकाला होता तो आपको क्या दिखेगा कि वन ईयर में दी एम्पलीट्यूड, मतलब बेस्ट वन ईयर रिटर्न इज दिस हाई एंड इट इज दिस लो. फिर आप देखिए, अच्छा वन ईयर का एक्सपेरिमेंट में तो क्या हो रहा है, बेस्ट बहुत ज्यादा है और वर्स्ट बहुत ही बिल्कुल गड्ढे में है. अब ले नहीं, वन इज नॉट गुड, 3 ईयर्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो 3 ईयर्स में आप देखिए कि जो बेस्ट या हाईएस्ट है वो थोड़ा कम होएगा, लेकिन जो वर्स्ट है वो भी थोड़ा कम होएगा. फिर आप बोलिए नहीं यार, लेकिन 3 ईयर में भी नेगेटिव तो आ सकता है, ऐसे करते हैं 5 ईयर का देखते हैं. फिर आप देखोगे 5 ईयर का, फिर आप पाओगे कि अच्छा 5 ईयर का एवरेज 12-15% बैठता है और नेगेटिव भी बहुत रेयर हो जाता है, लेकिन है फिर भी नेगेटिव. फिर आप देखिए 7-10-15 ईयर. सो वॉट यू विल फाइंड इज, यस एग्जैक्टली, इट विल बिकम लाइक अ कोन. इट विल बिकम लाइक अ कोन. इफ यू सी 1 ईयर इट विल बी लाइक दिस, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स. बाय द टाइम यू रीच 15-20 ईयर्स यू विल फाइंड दैट द एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम सब मैच हो गया. देयर इज, इट्स लाइक अ कोन. बिकॉज़ दैट्स व्हाई इट्स बिलीव कि 10 साल से ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है. Because of the same aspect that you're talking about. Yeah. बिल्कुल सही. Fair enough. Okay. So now let's talk a little about goal-based investing. You know, हम जब भी investors से बात करते हैं हम ये बोलते हैं कि बहुत सारे investors भी आजकल बहुत जागरूक हो गए हैं. उनको भी लगता है कि हमें goals के basis पे invest करना चाहिए, right? We need to look at goals when we are making our investments. तो जो काफ़ी investors हैं, especially young investors, उनका एक जो बहुत बड़ा goal रहता है आजकल वो ये है कि उनको जल्दी retire होना है. Right, and they want to achieve that financial freedom much earlier. So, जैसे हम आप भी बोल रहे थे in one of your previous answers कि life expectancy बढ़ रही है, right? हम लंबा जीने वाले हैं, लेकिन हम जल्दी retire होने वाले हैं. तो effectively जो retirement years होने वाले हैं young investors के, वो बहुत लंबे होने वाले हैं as compared to any of our previous generations. तो ऐसे जो retirement products होते हैं, चाहे वो NPS हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस के एनुइटी प्लान्स, और यू हैव एम्प्लॉय पेंशन स्कीम्स, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन प्रोडक्ट्स को कंसिडर करते हैं. तो आपके व्यू में जो इक्विटी फंड्स हैं, हाउ कैन दे रियली यू नो एड वैल्यू टू एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो अगर वो रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, या फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स ऑल्सो समथिंग वी कुड टॉक अबाउट. क्योंकि एक जो जनरल फीलिंग है वो ये है कि इक्विटी फंड्स रिस्की होते हैं और रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमें रिस्क नहीं लेना है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स में डालना चाहिए, विच आई थिंक इज वेरी ऑपोजिट टू व्हाट दे शुड बी डूइंग. क्योंकि रिटायरमेंट इतना लंबा फाइनेंशियल गोल है कि थोड़ा ऑपोजिट थिंकिंग होना चाहिए. लेकिन गिव अस योर व्यूज ऑन दिस आशीष. या सी एक्चुअली फर्स्ट थिंग इज दैट के रिटायरमेंट जो है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच जो आपने एक कॉन्ट्रडिक्शन जरूर बताया, और एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि
कि रिटायरमेंट की प्लानिंग रिटायरमेंट होने के समय स्टार्ट होती है या रिटायरमेंट के बाद होती है, वो बिल्कुल गलत है। रिटायरमेंट की प्लानिंग 25-30 साल की एज में होती है और आप 40, 50, 60 जब भी रिटायर करना चाहें, तो मतलब मैं आज तो नहीं डिसाइड कर सकता ना कि कल रिटायर हो जाऊंगा फिर क्या इक्विटी एलोकेशन करना। देखिए, अगर आज मेरी जो जमा पूंजी है उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं कि कल मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब तो बात सही है कि उसी कॉर्पस के ऊपर, उसी के बलबूते पे मुझे अपना सर्वाइवल करना है, तब तो बात सही है कि मुझे कॉन्जर्वेटिव होना पड़ेगा। लेकिन अगर आज के मेरे कॉर्पस पे मैं आज रिटायर हो जाता हूँ तो भी मुझे जीना तो है ना 80-90 ईयर्स तक, तब भी लॉन्ग टर्म है। उसी कॉर्पस में से विड्रॉ करते करते तो चलेगा नहीं, वो कॉर्पस ग्रो भी करना पड़ेगा और उस कॉर्पस में मैनेज करके मुझे विड्रॉल्स भी करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट रिटायरमेंट प्लानिंग इक्विटी के बिना हो ही नहीं सकता है। इफ यू आर 65 ईयर्स ओल्ड एंड यू रिटायर टुमारो, बट आपको वो रिटायरमेंट कॉर्पस तो 80-90-95 तक चलाना है ना, और अगर हो सके तो इनहेरिटेंस भी छोड़ना है ना। तो ये एक गलत लॉजिक है कि जो लोग रिटायर्ड हैं या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं उसको इक्विटी में नहीं करना चाहिए, लॉजिक गलत है। बिकॉज हाउएवर फार योर रिटायरमेंट मे बी, इफ योर रिटायर्ड लाइफ इज गोइंग टू बी 10-20-30-40 ईयर्स, तो तभी भी आपका कॉर्पस तो आपको ग्रो करना ही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज के नाउ एनीवे आई गेस योर क्वेश्चन इज फॉर यंग पीपल, तो उनके लिए तो और जरूरी है, क्योंकि अगर आप आज 25 साल के आप सोचते हैं 40-45-50 में रिटायर करना है आपको, तो आपको कॉर्पस बिल्ड करना है। तो देखिए, इक्विटी है और रियल एस्टेट है, इसके अलावा तो ग्रोथ और कॉर्पस बिल्डिंग वाला और कोई एसेट क्लास है नहीं हमारे पास, तो वो एक्सपोजर तो लेना ही पड़ेगा। सो एनी स्पेसिफिक फंड्स दैट यू रेकमेंड, मान लीजिए अभी हम एक्युमुलेशन फेज में हैं, वेयर से आई एम इन माय 20s एंड यू नो आई एम लुकिंग एट माय रिटायरमेंट एज अ बिग गोल, तो कैसे इक्विटी फंड्स में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूं, व्हिच कैटेगरी वुड बी गुड फॉर मी? सी, या तो मिड कैप, जैसे कई बार हमने बात की है कि मिड कैप, और देखिए क्या है, मिड कैप जो मिड कैप फंड है, ये लोगों को क्या बताया गया है रेगुलेटर के द्वारा कि मिनिमम 65% मिड कैप में होना चाहिए। लेकिन हम लोग सब लोग मिड कैप फंड जो चलाते हैं वो इसी उम्मीद से स्टॉक पिकिंग करते हैं ना कि काफी सारे मिड कैप जो हम खरीदते हैं आगे जाके लार्ज कैप बन जाएंगे, वरना दैट इज द साइन ऑफ सक्सेस, वरना तो वो अगर वो मिड कैप ही रहने वाले हैं तो काफी कम रिटर्न देंगे वो, राइट? अपने अर्निंग जितना ही रिटर्न देंगे या उससे भी कम देंगे शायद, लेकिन अल्टीमेटली व्हाई वी आर बाइंग मिड कैप के वो आगे जाकर के वो लार्ज कैप कंपनीज बनेंगी। तो अगर आपका 10-15-20 साल का टाइम होराइजन है तो आपको मिड कैप में एलोकेशन करना चाहिए। दूसरा, या तो अगर आपको मिड कैप वॉलेटाइल लगता है तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप है। देखिए, काफी सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स पूरा पैसा लार्ज कैप में डालते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप पोर्टफोलियो देख के, जैसे हम लोग फ्लेक्सी कैप जब चलाते हैं तो हम लोग डिसिप्लिन रखते हैं कि 50-60% लार्ज कैप होना चाहिए, बाकी स्मॉल एंड मिड कैप होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो देख के करिए, इंडस्ट्री किसी को कोई मल्टी कैप बोलता है, कोई फ्लेक्सी कैप बोलता है, उसके डोंट गेट कंफ्यूज विद द नोमेनक्लेचर। यू डू आइदर मिड कैप और यू डू फंड विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड मिड कैप। बट उसमें भी उतना ज्यादा लार्ज कैप नहीं होना चाहिए इज व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ लाइक ऑल ऑफ अस नो कि फ्लेक्सी कैप जनरली लार्ज कैप हैवी होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, इसीलिए थोड़ा देख के किसी की एडवाइस लेके या कुछ खुद पढ़ाई करके या किसी को पूछ के करना चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इंडेक्स फंड्स, राइट? बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आई थिंक द ट्रैक्शन इज प्रीटी हाई इवन इन द इंडेक्स फंड कैटेगरी। लेकिन जो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इंडेक्स फंड्स, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जिनको एक्टिव फंड्स में यू नो बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक्टिव फंड्स हैव द पोटेंशियल टू बीट द बेंचमार्क, व्हिच ऑब्वियसली इंडेक्स फंड्स, राइट? तो अभी जो है हमने मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखी है। तो अभी वी हैव इन्वेस्टर्स जो सिर्फ इंडेक्स फंड्स में बिलीव करते हैं, देन वी हैव इन्वेस्टर्स जो एक्टिव फंड्स में यू नो बिलीव करते हैं। तो आपके ओपिनियन में एक इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना परसेंटेज इंडेक्स फंड्स होना चाहिए, कितना परसेंटेज एक्टिव फंड्स होना चाहिए? देखिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मेरा, आई एम आल्सो अ फैन ऑफ इंडेक्स फंड्स, आई डोंट सी, आई मीन आई थिंक इंडेक्स फंड्स एंड एक्टिव फंड्स शुड कोएग्जिस्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। और काफी सारे ऐसे एलोकेशंस हैं जिसमें इंडेक्स फंड माइट बी अ बेटर चॉइस टू मेक। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ। पहले हम लोग, जैसे मेरे प्रीवियस रोल में हम लोग नैसडैक फंड क्रिएट किया, S&P 500, तो काफी सारा तो जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है उसमें एक्टिव मैनेजर्स मिलना, उन एक्टिव मैनेजर्स को आप स्टडी करें, उस पर भरोसा करें, वो सब काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो काफी सारे सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें यू आर बेटर ऑफ डूइंग इंडेक्स।
जैसे आप थोड़े समय पहले देखिए डेट में सारे लोग टारगेट मैच्योरिटी फंड्स कर रहे थे, दे आर ऑल्सो एक्चुअली इंडेक्स। फिर आप देखिए कि अगर आप समझोगे समझोगे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर, थोड़े समय पहले आपने हम पूछ रहे बता रहे थे कि मिड कैप में करना चाहिए मल्टी कैप में करना चाहिए। फर्ज कीजिए कि आपको डिफिकल्ट हो रहा है, आप सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं फंड, यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत सारे चॉइसेस होते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इफ यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट यू जस्ट बाय द मार्केट, राइट। निफ्टी 500 इज द मार्केट, इसके भी इंडेक्स फंड्स हैं, मैंने अपने प्रीवियस रोल में क्रिएट किए हैं सारे फंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे यू नो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो जिनको ऐसा लगता है अल्टीमेटली जिनका कंक्लूजन ये है कि भाई विनर्स हमेशा रोटेट होते रहते हैं, किसका अल्फा आएगा किसका अल्फा नहीं आएगा पता करना मुश्किल है, फंड मैनेजर्स या फंड हाउसेस पे भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, चॉइस करना मुश्किल हो रहा है। सो काफी सारे कारण है जिसकी वजह से लोग इंडेक्स फंड्स खरीदते भी हैं और खरीदना भी चाहिए। एंड आई थिंक दैट एनी स्मार्ट इन्वेस्टर शुड डू अ जुडिशियस मिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने मिड कैप के बारे में बताया, आई थिंक मिड कैप में एक्टिव मैनेजर्स हैं हमारे जैसे, मुझे ऐसा लगता है मिड कैप में या स्मॉल कैप में हम काफी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी एसेट फंड, मल्टी एसेट जैसे मैंने बताया या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स इक्विटी के हैं, ये सब चीज में हम काफी, जैसे अभी थोड़े समय पहले मल्टी एसेट फंड की बात कर रहे थे, तो उसको क्रिएट करना उसका ऐसा कोई एक इंडेक्स या ऐसा कोई फंड ऑफ फंड अभी अवेलेबल नहीं है। तो सो देयर आर सम सेगमेंट्स वेयर you should look at active, some segments where you look at passive. But then any specific percentage allocation that you can tell us about? Ki matlab aap 20% index mein daliye ya 30% ya, you know. Nahi, aisa nahi hai. It can be as high as half. It can be more, it can be less. It depends on the choices you are making, honestly. Okay, so it completely depends on the investor. I will not say 10-20%. It could be even more, honestly. Okay. All right, okay. तो आपके व्यू में हमने अभी थोड़ा इंटरनेशनल फंड्स के बारे में भी डिस्कस किया था, इवन व्हेन वी स्पोक ऑन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आप बता रहे थे कि आपके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में यू हैव अ स्मॉल पोर्शन एलोकेटेड टू इंटरनेशनल फंड्स। तो जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, और जो इंटरनेशनल फंड्स होते हैं क्या वो ट्रूली डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं टू एन इन्वेस्टर वर्सेस ए डोमेस्टिक मार्केट फंड्स, राइट। And especially अभी ये जो टैक्स ट्रीटमेंट चेंज हुआ है उसकी वजह से do you still think international funds make sense? See, taxation वाला जो चीज़ है वो मुझे फनी लगता है कभी कभी, क्योंकि actually taxation should not be, देखिए क्या है कि अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए क्योंकि टैक्स लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि भाई टैक्स लग सकता है इसीलिए गेन भी अवॉइड कर दो, डाइवर्सिफिकेशन भी अवॉइड कर दो, तो सवाल ही नहीं आएगा। आई थिंक दैट इज रॉन्ग एटीट्यूड और रॉन्ग लॉजिक टू रियली थिंक अबाउट, क्योंकि आप ऐसा देखिए जैसे जहां तक मुझे याद है 2012 का साल ऐसा था जहां पे इंडिया में नेगेटिव रिटर्न बना लेकिन यूएस में पॉजिटिव रिटर्न बना, तो और मुझे याद है क्योंकि तब हमने पहली बार यूएस का फंड लॉन्च किया था। तो अगर आप देखें तो क्या होगा कि जब इंडिया का पोर्टफोलियो डाउन जाता है और समझो बाहर के मार्केट का पोर्टफोलियो ऊपर जाता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिडीम कर लेंगे या गेन बुक कर लेंगे, लेकिन अगेन एंड ऑफ द ईयर योर पोर्टफोलियो विल लुक बेटर ना इफ इट इज डाइवर्सिफाइड, राइट। अभी आप ये साल देखिए, यूएस इज अप, इंडिया एंड इमर्जिंग मार्केट्स डाउन है, राइट। तो आप पोर्टफोलियो लेवल रिटर्न या पोर्टफोलियो लेवल गेन देखेंगे या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का पोटेंशियल टैक्सेशन देख के बोलेंगे कि नहीं इसमें करना ही नहीं है। दूसरा चीज आप देखिए, इवन प्योरली रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखिए, तो इंडिया जो इंडिया का जो मार्केट है, समझो सेमीकंडक्टर्स है, तो सेमीकंडक्टर कंपनीज ताइवान और साउथ कोरिया में ही है, इंडिया में है ही नहीं, राइट। आप देखिए ऑयल कमोडिटीज, तो इंडिया का परफॉर्मेंस, जब ऑयल और कमोडिटी अच्छा करता है तो इंडिया का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट है, ब्राजील है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अच्छा करते हैं। फिर दुनिया भर की जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं, हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, मीडिया कंपनीज हैं, ये सब कुछ तो यूएस में है, तो वो वहीं लिस्टेड है तो वहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंडिया में तो है नहीं ये सब। सो आई थिंक दैट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करना इज अनअवॉइडेबल, करना ही पड़ेगा, सबके पोर्टफोलियो में एलोकेशन होना चाहिए, एंड टैक्स इज नेवर द स्टार्टिंग पॉइंट। Yeah, ये आप हमें बता चुके हैं, the tax should never be the starting point. लेकिन unfortunately what we have seen is कि बहुत सारे investors investment planning नहीं करते, tax planning करते हैं। तो अगर मतलब see, जिसको बोलते हैं tax
टू हैव यू नो इफ यू हैव टू पे टैक्स इट इज कॉल्ड ए गुड इट इज कॉल्ड ए हाई क्वालिटी प्रॉब्लम मतलब कि अगर इट्स अ गुड प्रॉब्लम टैक्स हाँ इट्स अ हाई क्वालिटी प्रॉब्लम क्योंकि आपको टैक्स भरना पड़ रहा है क्योंकि आपके गेन्स हैं या आपकी इनकम है अगर आप ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहेंगे कि भाई टैक्स भरना ही नहीं पड़े तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना मतलब फिर द बेस्ट वे नॉट टू पे टैक्स इज टू अवॉइड ऑल गेन्स एंड टैक्स पे करना तो मतलब आई एम प्राउड ऑफ पेइंग टैक्स राइट आई मीन वी शुड बी प्राउड इफ वी आर पेइंग टैक्स Which means आपकी इनकम ज्यादा है या आपकी गेन ज्यादा है हाँ मतलब there is a logic ना कि जो government है और जो country है वो किसकी है मतलब it's like a huge trust where we all are beneficiaries right so you have to contribute and you have to be proud of paying tax अगर सभी लोग बोलेंगे tax नहीं भरना है तो फिर कैसे होएगा fair enough okay so now I think a very simple general question जो हमारे first time equity investors होते हैं जो मान लीजिए अभी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं आई नो आप इस पर थोड़ा टच अप ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन व्हाट एडवाइस वुड यू गिव अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर लाइक जो डूज एंड डोंट्स होते हैं वो क्या डूज एंड डोंट्स उनको दिमाग में रखने चाहिए व्हाइल दे आर बिल्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ फंड्स दैट दे कैन स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद यू डिड टेल अस अबाउट मिड कैप एज अ कैटेगरी बट इन जनरल अगर एक मुझे पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे शुरू करना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा है कि सबको रिटर्न चाहिए सबको ग्रोथ चाहिए तो अगर मैं समझो कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है आपका क्या आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं आपको क्या करना है तो आप एग्री करेंगे कि हम लोग सबको ग्रोथ चाहिए हम सबको रिटर्न चाहिए तो इसके बारे में तो कोई इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है लेकिन इंट्रोस्पेक्शन किस चीज के लिए करना चाहिए कि भाई हमको ग्रोथ चाहिए और हमको रिटर्न चाहिए इसलिए समझो हमने 100 रुपया 1000 रुपया 1,00,000 रुपया कुछ लगाया और इक्विटी में लगाया क्योंकि वहीं से रिटर्न और ग्रोथ आएगा तो इंट्रोस्पेक्शन ये करना चाहिए कि भाई कल अगर हमने ये 1,00,000 रुपया लगाया है और ये 1,00,000 की वैल्यू अगर 60-70 हो जाएगी तो क्या हम अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे रात को नींद आएगी कि नहीं आएगी क्या हम डटे रहेंगे कि फिर हम पैसा निकाल के भाग जाएंगे ये सब चीजों के ऊपर पहले सी बिकॉज इसमें खुद को समझना और खुद की पर्सनालिटी को समझना बहुत जरूरी है कई बार क्या होता है कि लोग ऑफिस में लंच टेबल पे बात कर रहे हैं फिर वो बोलता है कि तुमने कहाँ इन्वेस्ट किया तो किसी ने बताया कि मैंने इक्विटी में कर दिया किसी ने बोला आजकल डिफेंस सेक्टर अच्छा है किसी ने बोला आजकल मोमेंटम फंड्स अच्छे हैं किसी ने बोला कि गोल्ड ले लो तो सब अपना अपना पर्सनालिटी और अपना अपना जवाब देंगे बट इंट्रोस्पेक्शन इस बात का होना चाहिए कि आज अगर मैंने 1,00,000 रुपये लगाया उसकी वैल्यू 60-70 हो गई तो मेरा रिएक्शन क्या होगा और उसमें हमारी जो बैकग्राउंड है अपब्रिंगिंग है हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं हमारा जो पर्सनल मेंटल मेकअप है ये अपने आप को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि द बेस्ट एडवाइजर जो है ना बेस्ट एडवाइजर है वो आपके शूज में स्टेप इन करके आपकी साइकी को नहीं समझ सकता है आपकी साइकोलॉजी को आप ही समझ सकते हो राइट आर यू रिस्क टेकर और नॉट ये सब चीजें फर्स्ट ऑल दिस क्लैरिटी बहुत जरूरी है ये सब जो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है करेक्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपने गोल्स मतलब हमको चाहते क्या है रिटर्न्स और ग्रोथ तो सबको चाहिए लेकिन आप क्या चाहते हैं आपको 5 साल के बाद डाउन पेमेंट करके खुद का घर लेना है या आपकी प्रायोरिटी कुछ फ्यूचर फर्दर एजुकेशन करना है कि आपकी प्रायोरिटी वर्ल्ड टूर पे घूमने जाना है कितना दूर है ये गोल वो गोल के लिए आपको कितना पैसा इकट्ठा करना है और आज आप हर महीने या हर हफ्ते कितना पैसा जोड़ सकते हैं तो अगर हर महीने आप पैसा जोड़ेंगे और वो 8-10-12% के रेट पे ग्रो करेगा तो आपका गोल जो है उतने तक वो पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा आई थिंक ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सी म्यूचुअल फंड है इक्विटी मार्केट है दीज आर मियरली इंस्ट्रूमेंट्स तो इंस्ट्रूमेंट्स तो बाद में आते हैं औजार बाद में आते हैं पहले आपको करना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पर्पस या आपका गोल क्या है इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस गोल्स योर ओन साइकी हाउ मच रिस्क यू कैन टॉलरेट And not just in the field of investment, I guess in every aspect of our life, this is an important learning, right? Having goals truly drives us in the right direction. So. हाँ बिल्कुल और वो right direction मतलब direction और destination एक होता है लेकिन उसमें journey में आपको tolerate करने की आपकी कितनी capacity है that matters ना अच्छा okay so अभी जो है we have seen a lot of iconic fund managers and I think बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे यू नो आइकॉनिक फंड मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं राइटली सो बिकॉज ऑफ द शेयर परफॉर्मेंस दैट दे हैव डिलीवर्ड राइट इन द पास्ट तो आपके व्यू में जो एक फंड मैनेजर होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम एन इक्विटी फंड परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू
एंड मान लीजिए किसी एक फंड मैनेजर ने वो AMC छोड़ दी है, तो क्या एज एन इन्वेस्टर, और आपको पता था कि वो आइकॉनिक फंड मैनेजर है जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो एज एन इन्वेस्टर क्या हमें उस फंड से फिर एग्जिट कर देना चाहिए? See, actually, so first is iconic की परिभाषा क्या है, because the point is that खाली जैसे सब asset management companies के अलग अलग thought process और अलग अलग काम करने का तरीका होता है. जैसे हमारे यहाँ पे भी founder हैं, iconic है, उनका काफी बड़ा नाम है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो founders हैं या fund manager हैं या CIO है, वो be all and end all या वो main, मतलब they are important people, portfolio construction, risk management, वो important लोग हैं. लेकिन हमारे यहाँ पे 30-35 लोगों की एनालिस्ट टीम है, और पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक जाएंगे वो एनालिस्ट रेकमेंड करता है और डिसाइड करता है. सारा का सारा फंड मैनेजर इज नॉट जस्ट ए सुपरस्टार. तो कुछ कंपनियों का एनालिस्ट ड्रिवन, रिसर्च ड्रिवन, टीम ड्रिवन प्रोसेस होता है. कई जगह पे अगर आप देखेंगे, हम लिटरेचर में टीम वाइट ओक लिखते हैं, CIO या फाउंडर का नाम नहीं लिखते हैं, वो डेलिबरेट है, राइट? तो आइकॉनिक लोग, काफी ऑर्गेनाइजेशंस में आइकॉनिक लोग हैं, लेकिन उसके पीछे का आपको वर्किंग प्रोसेस या पैटर्न समझना, पहली बात एक तो वो जरूरी है, क्योंकि उससे डिपेंड करता है कि टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बंदा इंपॉर्टेंट है, दो लोग इंपॉर्टेंट है, को फंड मैनेजर, वो सब हेड ऑफ रिसर्च, ये सब समझना जरूरी है. सेकेंड थिंग, अज्यूम करिए, नाउ गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप अज्यूम करिए कि नहीं भाई, वो आइकॉनिक एक फंड मैनेजर है और वो फंड मैनेजर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों का योगदान शायद इसमें थोड़ा कम है, बिकॉज ही इज द सोल डिसीजन मेकर, दैट इज हाउ the fund is run, then definitely you should review your position. Third thing is that also keep in mind that best of fund managers will have some ups and downs and cycles. मैंने ऐसा देखा है कि लोग किसी को iconic बोलते हैं performance आने के बाद, और performance नहीं आया तो वो iconic नहीं है. See, you cannot trust a person just when the NAV is going up, but you lose trust if the NAV goes down. I think वो clarity बहुत important होना चाहिए. अगर आप वाकई में मानते हैं कि कोई icon है, तो आपको लंबे अरसे के लिए उसमें faith रखना पड़ेगा. और अगर आप वाकई में मानते हैं कि वो icon बिछड़ गया है fund से, then you should review your position. No, fair enough. Okay, so I think the second last question for you is, from your personal investment journey, can you give us some tips, some tricks, some learnings which we as investors can take away from with? So see, Namrata ji, I'll tell you something. Jaise main aapko ek example deta hu. Kai baar Delhi, Gurgaon, Mumbai, kahin pe bhi hum log skyscrapers pe jaate hai na, kafi unchi imarate hoti hai, kisi ka 30th floor pe, 40th floor pe ghar hai, office hai. To jab aap ek lift mein jaate ho, lift aapko 40th floor tak leke jaati hai, right? तो आपको ऐसा पूरा पूरा भरोसा है ना कि लिफ्ट ऊपर जाएगी और जब नीचे आएगी तो तमीज से आएगी, ऐसे गिरेगी नहीं नीचे. आपको भरोसा कैसे हुआ ये? क्योंकि आपको किसी ने बोला होगा ना कि इसमें पीछे कुछ हाइड्रोलिक इक्विपमेंट होता है, कुछ पावर केबल्स होते हैं, कुछ उसको ब्रेक्स होते हैं, सेफ्टी केबल्स भी होते हैं. तो किसी न किसी, आपने ये सारा इक्विपमेंट देखा है क्या कभी? नहीं देखा होगा, लेकिन आपको भरोसा है ना कि लिफ्ट ऐसे चलता है. So, उतना भरोसा मेरे को स्टॉक मार्केट पे है. अगर मार्केट 20-30% गिरता है ना, तो जो हम फंड्स मैनेज करते हैं, जो इन्वेस्टर्स से या एडवाइजर्स से मैं डील करता हूं, वो क्या सोचेंगे और उन पे क्या असर होगा, उसकी चिंता जरूर होती है मेरे को. वो सब चीजें सोच के मेरी नींद जरूर उठती है. लेकिन जो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, उसका 100 का अगर 60 होता है, 70 होता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मार्केट को अलग तरीके से विजुअलाइज करता हूँ. मैंने वो एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जो मार्केट है ना, वो एक स्प्रिंग है, क्योंकि हम लोग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. तो अगर आप एक स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे, राइट, आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है, आप उसको 40% कंप्रेस करेंगे तो वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा. बट जो लोग फिजिक्स समझते हैं, उनको पता है कि जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, और जब आप उसको रिलीज करेंगे तो एनर्जी की वजह से स्प्रिंग वापस बाउंस बैक हो जाएगा. अच्छा, नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, मतलब मैं भी नॉर्मल हूं, बट जो लोग मार्केट को अलग नजरिए से देखते हैं, उनको लगता है कि ये 10 का 6 हुआ ना तो 40% डाउन है. अरे यार, अभी ये 6 का 10 होने के लिए तो 60% ऊपर जाना पड़ेगा, ये कैसे होएगा, ये तो हो नहीं सकता है, तो लोग घबरा जाते हैं. सो व्हाट आई विल टेल यू इज, मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी में मेरे को एक ही चीज सीखने को मिला है कि आप विजुअलाइजेशन अपना ठीक रखिए.
यू शुड हैव द करेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ थिंग्स राइट. द करेक्ट विजुअलाइजेशन इज दैट इफ मार्केट फॉल्स, आपने एक कंपनी दो कंपनी नहीं लिया, समझे आपके पास पोर्टफोलियो है. अच्छा एक दो कंपनी लिया है तब तो रिस्क आपका अलग ही है, पर हम सब पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. तो अब पोर्टफोलियो हूज एनएवी फॉल्स 10-20-30-40%, लेट मी टेल यू, अगर वो सब गोइंग कंसर्न है और अगर आप इंडिया जैसी इकोनॉमी में है तो अ पोर्टफोलियो विच इज कंप्रेस्ड, लेट मी टेल यू, इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल. जो चीज पे मेरे को 10 रुपए पे भरोसा था वो चीज पे मेरे को 6 रुपए पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए. सो माई लर्निंग इज दैट विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट. विजुअलाइजेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज हाउ यू विजुअलाइज थिंग्स विल डिटरमाइन हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू इट. यस, लेकिन आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल कि अगर आप एक ECG चार्ट देखेंगे तो उसमें यू विल सी ऑल दीज अप्स एंड डाउन्स, राइट, विच मीन्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है आपका हार्ट बीट. अगर आप फ्लैट लाइन देख रहे हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम. So, I guess that's how markets work. So, yeah. Okay, so the last question for you, Ashish, is any book recommendations for our first-time equity investors? See, abhi humne visualization ki baat ki, isliye main hamesha bolta hun, jaise ek book hai, Investing, The Last Liberal Art, which is written by a person called Roger Hagstrom. That is a very, very good book. समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, बिकॉज मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई फिजिक्स का एग्जाम्पल है. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसेट एलोकेशन जो हम बात कर रहे थे, एसेट एलोकेशन इज लाइक केमिस्ट्री. आप अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करके नया सब्सटेंस बनाते हैं, अलग अलग एसेट क्लासेस और उनकी वॉलेटाइलिटीज और उनके रिटर्न्स को मिक्स करते हैं तो अलग कॉम्बिनेशन बनता है. सो आई थिंक अगर आप अलग विजुअलाइजेशन, अलग थिंकिंग चाहते हैं तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. Great. Thank you so much for your time, Ashish. We had a great time conversing with you. Aapke examples and aapki honesty was, I think, mind-blowing. So thank you so much for your time. And I hope our viewers love this episode. So thank you so much. Thank you. Thank you for calling me. Thank you. Wow, what a wonderful conversation that was with Mr. Ashish. I'm sure aap sabko bahut maza aaya hoga and I'm sure you guys are waiting for the next episode. So quickly, jo bhi points humne discuss kiye, wo main aapke liye summarize kar deti hoon. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि इंडियन इकोनॉमी जो है काफी चैलेंजेस फेस कर रही है बिकॉज ऑफ स्लो ग्रोथ, और जो कंजम्पशन है वो भी काफी कम हो रहा है, और बिकॉज ऑफ हायर बोरोइंग कॉस्ट. तो इसका जो है स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो मिस्टर आशीष सेज कि मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, लेकिन कंपनीज की अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं, एंड मोर ओवर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर अस टू पिक क्वालिटी स्टॉक्स इन आवर पोर्टफोलियो. Then we also spoke about silver ETFs, कि silver ETFs के जो AUM है, जो assets under management होते हैं, उसमें silver ETFs ने काफी बड़ा jump देखा in the month of March. तो जो silver होता है, क्या वो एक अच्छा investment माना जाता है in an investor's portfolio? तो Mr. Ashish says कि silver काफी safe investment माने जाते हैं, और silver का काफी industrial application भी होता है. लेकिन एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर ETFs दोनों हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा एलोकेशन गोल्ड की तरफ होना चाहिए. फिर हमने ये भी डिस्कस किया दैट मोस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन पॉजिटिव रिटर्न्स इन द लास्ट 1 month, ऑब्वियसली क्योंकि जो है काफी स्टॉक्स जो है अट्रैक्टिव हो गए हैं बिकॉज ऑफ द रिसेंट मार्केट स्लम. तो इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स. तो मिस्टर आशीष सेज कि जो मिड कैप एज अ कैटेगरी होता है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट. इट्स लाइक अ स्वीट स्पॉट जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं. तो इसीलिए अगर आपको मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 5-7 साल का टाइम होराइजन जरूर होना चाहिए. फिर हमने SIP फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी, नो डेली, वीकली, मंथली, यू नो कैसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हमारी. तो मिस्टर आशीष सेज कि हमें अपनी SIP डेट या SIP फ्रीक्वेंसी के बारे में उतना वरी नहीं करना चाहिए. हमारी जो SIP डेट है दैट कुड बी क्लोज टू आवर सैलरी क्रेडिट डेट. फिर हमने थोड़ा NFOs के बारे में भी डिस्कस किया कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमें NFOs में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो मिस्टर आशीष सेज कि जब आप NFOs में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बड़े डिफरेंशिएटर को देखना चाहिए, विच कुड बी अ यूनिक थीम. और जो NFOs होते हैं वो बेसिकली नए म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि इन द रिसेंट पास्ट देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने यू नो रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है विदाउट रियली कंसिडरिंग द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द फंड. तो मिस्टर आशीष सेज कि जस्ट बिकॉज एक फंड ने पिछले 5 साल में अच्छा परफॉर्म किया है, ये गारंटी नहीं करता है कि यू नो वो फंड जो है अगले 5 साल में भी अच्छा परफॉर्म करेगा.
तो इसीलिए फंड की वॉलेटिलिटी को देखना बहुत जरूरी होता है और वो आप चेक कर सकते हैं थ्रू द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। फिर हमने थोड़ा इंडेक्स फंड्स के बारे में डिस्कस किया कि देखा जाए तो इंडेक्स फंड्स का एओएम काफी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो सिर्फ एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एक्टिव फंड्स हैव द पोटेंशियल टू बीट द बेंचमार्क रिटर्न्स। तो मिस्टर आशीष सेज कि इंडेक्स फंड्स कुछ सिचुएशंस में अच्छे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आपको नहीं पता है कि आपको कहां से शुरुआत करनी है, तो सिंपली यू कैन बाय द मार्केट थ्रू इंडेक्स फंड्स। लेकिन जो एक्टिव पैसिव फंड्स का जो पोर्टफोलियो में एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ब्रेकअप होता है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन एन इन्वेस्टर्स यू नो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क टॉलरेंस। देन वी ऑल्सो स्पोक अबाउट द फैक्ट कि क्या हमें एक एक्विटी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना चाहिए अगर फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। तो मिस्टर आशीष सेज कि यू नो हर एएमसी के अलग थॉट प्रोसेस होते हैं। ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक फंड मैनेजर्स भी हैं, लेकिन दे आर नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द फंड, क्योंकि हर फंड मैनेजर के पीछे एक बहुत स्ट्रांग रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है जो उनको बैक करती है। फिर हमने मिस्टर आशीष से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा है। मिस्टर आशीष सेज कि एक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक इन्वेस्टर का एक विजुअलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कि एक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको पोर्टफोलियो नीचे भी जाएगा तो इट कैन बाउंस बैक बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग इंडिया ग्रोथ स्टोरी। फिर हमने मिस्टर आशीष से उनके कुछ बुक रिकमेंडेशंस मांगे एंड ही रेकमेंड्स इन्वेस्टिंग द लास्ट लिबरल आर्ट बाय रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम इज अ गुड रीड, क्योंकि इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड। सो दैट वाज इट अबाउट यू नो इन दिस पर्टिकुलर शो। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर एपिसोड एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल कंटिन्यू टू वॉच ऑल आर फ्यूचर एपिसोड्स। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द ग्रो म्यूचुअल फंड चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.